Good morning, students. How are you? I hope you all are fine, students. I am Priyanka from the Wisdom School, Sirsa. What is day today? Today is Saturday. And what is day today? 18 July 2020. Students, देखिए जो हमारा लेसन है स्वर की मात्राएं, ये हमारा हिंदी व्याकरण की बुक में चल रहा है, क्लास थर्ड, ध्यान से देखिए। ये हमने मात्राएं तक रीड किया था और आज हम इसका विशेष रीड करते हैं। देखिए, आइए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो और समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। र के विभिन्न प्रयोग। अब र के विभिन्न प्रयोग मीन्स र मूल रूप में रजत, रमन, रक्षक, ये भी ऐसे यूज करते हैं हम, र है। अब आगे देखिए, र पदेन, जो व्यंजन के पैर में लगाया जाता है वो पदेन वाला र होता है। रूप में प्रण, प्रथम, प्रगति, प्रेम, जो व्यंजन के बाद बोला जाता है। अब देखिए, प्र, प, र, प्र, ण, प्रण, प्रथम, प्रगति, प्रगति, प्रेम, तो ये जो है पदेन वाला र है। नेक्स्ट देखिए, र रेफ, जो व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है वो रेफ कर रहा होता है। इसकी जो आवाज है वो व्यंजन से पहले आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, द, र, र ऊपर लगाया, दर्द, गर्व, मार्ग, कर्म, तो इसकी जो आवाज है, रेफ वाले र की आवाज है, ये व्यंजन से पहले आती है। और जो ये पदेन वाला र है, इसकी व्यंजन के बाद आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, र में ऊ, और ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर साथ में लगाई जाती है। जैसे रु, रू, रुपया, रुई, रुकना, रुमाल, रू, रूठना। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, र, ऊ, रु, रुपया, रुई। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये मात्रा लगा रखी है, जैसे ये रु, उ, तो इसकी जो है, ये जो है इसकी, देखिए इसे इस तरह से हम लगाएंगे। आगे जब र, उ, इसे जो इसकी डंडी जो थोड़ी लंबी हो जाएगी, रु, रु, प, रु, अम, रूत। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो ये र के हैं विभिन्न प्रयोग हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट, री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे मीन्स पैर पर लगती है। अब देखिए, ये भी आपने किया होगा, आपको पता ही होगा, व, री, व्री, अक्षय, वृक्ष, प, री, प्री, प्री, थ, वी, पृथ्वी, जो री की मात्रा है उसका इस तरह से प्रयोग होता है। आगे देखिए, शब्द, वैसे तो वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनते हैं। वर्णों के सही क्रम से ही शब्द बनते हैं, जिनका कोई न कोई अर्थ होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वर्ण, अब जैसे हमने कोई भी मनाए, किसी भी वर्ण को हम मिला दें, अगर वो शब्द सही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, जैसे लागू बे, ये लागू बलगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अगर लकम, लकम लिखते हैं, लकम का भी कोई अर्थ नहीं है। लागू और लकम शब्द तो है, लेकिन इनका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर हम इन्हें सही क्रम में लिखेंगे तो इनका अर्थ भी निकलेगा और सही शब्द भी बनेगा, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे गुलाब, गुलाब एक फूल है, कमल, कमल भी एक फूल है। गुलाब और कमल का कोई अर्थ है, इसलिए ये सही शब्द कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब शब्द किसे हैं? वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहते हैं। मीन्स यहाँ लिखा हो, वर्णों के सही क्रम को शब्द कहा जाता है, ये भी सही है। वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहा जाता है। आगे देखिए, वाक्य, शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं, लेकिन शब्दों का सही क्रम ही वाक्य बनता है। शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं, जैसे नदी में नहा है, नदी में नहा है रहा बच्चा। अब देखिए, ये शब्द तो सही है, पर ये वाक्य जो है बिल्कुल गलत है। ये वाक्य तो है, लेकिन सही वाक्य नहीं है। इस वाक्य में शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, इस वाक्य का जो सही क्रम आएगा, बच्चा नदी में नहा रहा है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्दों का सही क्रम में लिखा गया है।
शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, हम अपनी आपसी बातचीत में इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसी तरह ही जो शब्द होते हैं उनको भी सही क्रम में लिखना होता है, क्योंकि उनका कोई ना कोई, अगर हम सही नहीं लिखा होगा वर्णों को जोड़कर, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जो वाक्य है, वाक्य भी उनका जहाँ सही क्रम, शब्दों का सही क्रम ना हो, तब तक वह सही वाक्य नहीं होगा। अब देखिए, इस पाठ में आपने क्या सीखा, व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर हम उसकी मात्रा लगाते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं, शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है ये हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपने क्या सीखा ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आज आपने ओनली यहाँ विशेष से लेकर आपने यहाँ तक अच्छे से रीड करना है और इसे समझना है कि शब्द क्या होते हैं, जो हमारे ये र है, र के विभिन्न प्रयोग, और हमारे ये शब्द की परिभाषा क्या है, वर्णों के सार्थक रूप को हम शब्द कहते हैं, वाक्य शब्दों के सही क्रम को वाक्य, सही क्रम से वाक्य बनते हैं। तो आपने इसे अच्छे से ध्यान से रीड करना है और समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।